Hello everyone, welcome to Indo Defense Academy. So basically, we came up with a crash course for your upcoming exams named NDA CDS and Afghan. And our series goes in the form of question and answers. Okay? So we hope we will enjoy this journey. And so let's begin. Our first question says that Chilika Lake regions rise in between the deltas of what? ओके ऑप्शन आर गंगा एंड महानदी गोदावरी एंड कृष्णा महानदी एंड गोदावरी या कृष्णा एंड गावेरी सो बेसिकली हाँ हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी ओके सो ऑप्शन इज महानदी एंड गोदावरी देखिए चिल्का लेक इज सिचुएटेड इन द स्टेट नेम उड़ीसा ओके महानदी उड़ीसा से फ्लो करती है गोदावरी जस्ट उसके नीचे डेल्टा बनाती है एंड बिटवीन दोज यू विल फाइंड चिल्का लेक Chilika lake was the first Ramsar wetland site declared by the Ramsar under the Ramsar convention. Now okay? Ramsar convention kab hua tha? It took place on 2nd of Pab 1971 Ramsar is a place in Iran okay. So basically for your better understanding I have added other lists of important lakes in India so basically if we start from the southern part you will find.

मैंग्रोव ठीक है मीतरकनी का मैंग्रोव जो है आपके वहां पर so right? लेक ओके okay? लोकटक लेक इज इन मनीपुर मनीपुर में अगर आप लोकटक लेक देखेंगे दैट इज अ फ्लोटिंग लेक राइट और यहाँ पे ही आपका एक इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्कुएटेड इज केबुल उसके बाद आप देखें यू फाइन रुद्र रुद्रसागर लेक रुद्रसागर लेक जो है आपकी वो है त्रिपुरा में राइट right? उसके अगर हम ऊपर जाते हैं तो यू विल फाइंड रोपर वेटलैंड ओके okay? रोपर वेटलैंड इज इन हिमाचल प्रदेश ओके okay? उसके बाद आपको मिलेगा रेनू का लेक रेनू का लेक इज इन हिमाचल प्रदेश एंड रोपर वेटलैंड इज इन पंजाब ओके दिस इज इन पंजाब

दैन द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेक यू विल फाइंड इन द इंडिया दैट इज़ सांबर लेक इट इज़ इन राजस्थान राजस्थान की जो कैपिटल है जयपुर में वहाँ पर आपको सांबर लेक मिलेगी ठीक है उसके बाद एक इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क ऑल्सो इज देयर इन राजस्थान दैट इज़ क्योलाडो नेशनल पार्क ठीक है तो क्योलाडो नेशनल पार्क इज इन राजस्थान यहाँ पर काफ़ी सारी माइग्रेटरी बर्ड्स भी आती हैं ओके okay? उसके बाद अगर आप गुजरात जाएंगे तो यू विल फाइंड नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी ठीक है अगर हम गुजरात की इम्पॉर्टेंट नेशनल पार्क की बात करें तो दैट इज अ गिर नेशनल पार्क यू विल फाइंड इन गुजरात इट सर इम्पॉर्टेंट लेक्स यू विल पाइन इन इंडिया इफ वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन रिवर दामोदर इज कॉल्ड सौर बेंगाल बिकॉज इट ठीक है सौरो इज नेगेटिव वर्ड राइट तो इसका जो आउटकम होगा वो भी नेगेटिव होगा सो ऑप्शंस आर गेट फ्लडेड ऑफ इन कॉजिंग मैक्सिमम सॉइल इोजन नंबर ऑफ डेंजरस वॉटरफॉल्स इज नॉट अ पेरिनेल रिवर सो हमारा आंसर क्या होगा

बेसिकली हमारे इंडिया में अगर हम देखें तो रिवर्स आर क्लासिफाइड इनटू टू फॉर्म्स एक है आपकी हिमालयन रिवर्स एंड अदर इज योर पेनिनसुलर रिवर ठीक है तो अगर आप हिमालयन रिवर्स की बात करें तो देर आर मेजर थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स ऑफ हिमालय दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस राइट तो

राइट तो अगर ट्रिब्यूटरी की बात करें तो श्योक इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट रिवर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस ओके अगर हम अदर इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दैट इज झेलम चिनाब सतलज सिरावी, दीज आर फाइव इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस अदर देन दिस देर आर मैनी अदर ट्रिब्यूटरीज नेम्ड एस गोमल ठीक है नूबरा जानसकर So basically, these are the important river tributary you will find of the Indus. Okay? Okay, so next question says In the decreasing order of the length of the river, the correct sequence is Brahmaputra, Ganga, Godavari, Narmada, Ganga, Godavari, Brahmaputra, Narmada, Brahmaputra, Narmada, Godavari, Ganga, ya fir, Ganga, Brahmaputra, Godavari, Narmada. So basically, if we go to the options, we will find our answer is option A. Why? आप ब्रह्मपुत्र को अगर आप नोटिस करेंगे ना यू विल फाइंड ब्रह्मपुत्र फ्लोइंग थ्रू थ्री इंपॉर्टेंट कंट्रीज वन इज तिब्बत दिस चाइना देन इट इंटर इन टू इंडिया ठीक है उसके बाद ये बांग्लादेश में चल जाती है ठीक है तो इसकी जो लेंथ है ना आपकी लगभग टू एटिट जीरो है एज़ पर एन सी आर टी डेटा इट इज़ टू एट जीरो कहीं आपको थ्री थाउजेंड समथिंग भी मिलेगी ठीक है तो वी आर टेकिंग एन सी आर टी डेटा इट इज़ टू थाउजेंड एट हंड्रेड एंड एटी किलोमीटर ओके अगर आप गंगा में जाएंगे दैट इज ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव ठीक है, गंगा उसके बाद अगर हम देखें तो गोदावरी की आपको uh, मिलेगी, okay? नर्मदा ठीक है, तो आंसर क्या होगा? ऑप्शन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम ठीक है उन्होंने क्वेश्चन पूछा है ट्रिब्यूटरीज का अगेन ट्रिब्यूटरी राइट तीस्ता फॉर्म्स पार्ट ऑफ विच मेजर रिवर सिस्टम ऑप्शन कावेरी या ब्रह्मपुत्र so, की बात करें तो तीस्ता ठीक है इसको लाइफ लाइन ऑफ सिक्किम बोला जाता है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट रिवर इन द स्टेट नेम सिक्किम अगर आप बताएंगे मुझे कि वॉट इज द कैपिटल ऑफ सिक्किम राइट सो इट इज अ ट्रिब्यूट्री ऑफ ब्रह्मपुत्र अगर आप ब्रह्मपुत्र के अलग और ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो दे आर सुबनश्री ठीक है यूंड धनश्री उसके बाद आपको मानस मिलेगी ठीक है उसके बाद आपको मिलेगी लोहित तो बेसिकली दीज आर द इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर ब्रह्मपुत्र ठीक है अगर हम ब्रह्मपुत्र रिवर की बात करें तो ब्रह्मपुत्रा को तिब्बत में किस नाम से जाना जाता है यालुंग सांगपो क्या यालुंग सांगपो ठीक है उसके बाद जब ये इंडिया में एंटर करती है तो इट टेक अ यू टर्न फ्रॉम द माउंटेन नेम नामजा बर्वा ठीक है उसके बाद ये जब नामचा बर्वा से एंटर करती है आपके अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या होता है सियांग ठीक है सियांग के बाद दो इंपॉर्टेंट स्ट्रीम्स इसमें ऐड करती हैं दिहांग एंड लोहित जब ये तीनों का हम मल्टीप्लीकेशन या फिर हम एडिशन करेंगे देन वी विल फाइन्ड रिव ब्रह्मपुत्र ठीक है सो बेसिकली ब्रह्मपुत्र ब्रह्मपुत्र अगर हम बोले देखो सियांग दिहांग लोहित ठीक है तो बेसिकली दीज आर दैनल्स अरुणाचल प्रदेश में सियांग बोल रहे हैं इन द माउंटेनियस रीजन अगर वो प्लेस में आ जाएगी तो इसी को हम दि, दिबांग बोलने लगेंगे ठीक है सो बेसिकली दिस इज वॉट अ ब्रह्मपुत्र अगर ब्रह्मपुत्र जब साड़िया टाउन ऑफ असम पे मिल जाती है उसके बाद असम में फ्लो करती है तब हम उसको ब्रह्मपुत्रा बोलते हैं जब ये बांग्लादेश में एंटर करेगी दैन इट विल बी नेम्ब है जमुना ठीक है सो बेसिकली दिस इज ऑल अबाउट ब्रह्मपुत्रा रिवर वो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन बाय वॉट नेम इज द गंगा नोन इन बांग्लादेश अभी मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया ठीक है इट इज नोन एज पदमा मैंने आपको बताया बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्रा को हम लोग जमुना बोलते हैं सेम सीक्वेंस में में अगर हम गंगा देखें वो भी बांग्लादेश एंटर करिए राइट विद अ नेम पदमा ठीक है यहाँ पे पदमा एंटर करिए यहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्र विद यमुना इन द कंट्री नेम बांग्लादेश उसके बाद ये दोनों ऐड करते हुए अ स्ट्रीम नेम मेघना ठीक है सो मेघना ऑफ बंगाल में जाके कंप्लीट हो जाती है एंड इट मेक अ इट मेक अ अश्वरी राइट मेघना एश्री भी बोलते हैं उसको ओके लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग इज फॉल्स हमें फॉल्स बताना है ऑप्शन ए कृष्णा सॉफ्ट महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश गोदावरी सॉफ्ट मध्य प्रदेश महानदी सर्व्स बिहार एंड उड़ीसा या नर्मदा सर्व्स महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन बी क्योंकि उन्होंने बोला है गोदावरी सर्व मध्य प्रदेश अगर आप मेन स्ट्रीम ऑफ गोदावरी देखेंगे ना दैट डू नॉट फ्लो इन द स्टेट नेम मध्य प्रदेश ठीक है सो आंसर इज मध्य प्रदेश अगर हम गोदावरी की ओरिजिनल पॉइंट की बात करें तो क्या है नासिक त्र्यंबकेश्वर हिल्स ठीक है वहां से आपकी गोदावरी ओरिजिनेट होती है राइट उसके बाद अगर हम नर्मदा की बात करें तो नर्मदा रिवर विच ओरिजिनेट इन देश मध्यप्रदेश अमरकंटक तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है okay? so, विच ऑन दॉलिंग पेनसुलर रिवर इज वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर बेसिकली अगर हम लोग हिमालय अगर हम इंडिया के रिवर्स की बात करें ना तो हम रिवर्स को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं वन इज हिमालयन रिवर ओके वन इज पेनिसुलर रिवर अगर आप हम हिमालयन रिवर्स देख रहे हैं तो हम मेनली थ्री इंपॉर्टेंट रिवर्स ही है आपके पास ठीक है दैट इज गंगा ब्रह्मपुत्र एंड इंडस तो वो हमने देख लिया इंडस गंगा एंड ब्रह्मपुत्र अगर आप पेनिसुलर रिवर को दो पार्ट्स में डिवाइड करें ना तो वन इज वेस्ट फ्लोइंग इस तरफ जा रही है मेरे इस तरफ वेस्ट फ्लोइंग एंड दिस इज ईस्ट फ्लोइंग राइट तो उन्होंने वही पूछा है कि विच ऑफ द दर रिवर इज वेस्ट वर्ड मतलब इंटू दी ऑप्शन क्या क्या है महानदी गोदावरी ताप्ती या कावेरी तो हमारा राइट right आंसर क्या होगा ताप्ती क्योंकि देखो नर्मदा और वैली फ्लोइंग रिवर्स ठीक है एक्सेप्शन ठीक है आपको चार इंपॉर्टेंट रिवर्स मिलेंगे जो कि आपकी वेस्ट वर्ड है दैट इज साबरमती नर्मदा

दक्षिण गंगा अगर हम किसी का नाम ले रहे हैं ना तो सिग्निफिकेंट गंगा का काफी ज्यादा सिग्निफिकेंट है ठीक है सो हमारे ऑप्शन क्या क्या है देखिए गोदावरी कृष्णा महानदी या कावेरी सो बेसिकली हमारा जो आंसर है दैट इज गोदावरी ठीक है गोदावरी को हम दक्षिण गंगा क्यों बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ अगर आप गोदावरी देखेंगे ना दैट इज द बिगेस्ट पेनेंसुलर रिवर या फिर लार्जेस्ट पेनेंसुलर रिवर राइट अगर आपसे क्वेश्चन पूछा गया गंगा ऑफ साउथ ठीक है गंगा ऑफ साउथ तो कौन सी रिवर होगी आपकी रिवर कावेरी ठीक है देखिए, दक्षिण गंगा क्यों बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ पर ये कावेरी को गंगा ऑफ साउथ क्यों बोला जा रहा है बिकॉज ऑफ इंपॉर्टेंस जैसे कि गंगा की हमारे लिए मैथोलॉजिकल इंपॉर्टेंस है सेम वे वी हैव इंपॉर्टेंस ऑफ रिवर कावेरी ओके सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट ऑफ द रिवर्स फ्लोइंग वेस्टवर्ड फ्रॉम द वेस्टर्न घाट डू नॉट फॉर्म डेल्टा बिकॉज़ ठीक है हमने देखा था पेनिनसुलर रिवर्स दो तरह की है ठीक है ईस्टवर्ड एक वेस्टवर्ड जा रही है और एक कहां जा रही है ईस्टवर्ड तो जो आपकी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर्स है ना वो सारी आपकी एश्चरीज बनाती हैं क्या बनाती है एसडी बट जो आपकी ईस्ट फ्लोइंग रिवर है ना वो आपकी सारी डेल्टा बनाती है राइट right? तो so वो सेम क्वेश्चन पूछ रहा है कि ऑफ़ द रिवर देर इज नो वेजिटेशन सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा बिकॉज ऑफ द हाई ग्रेडियंट ओके ग्रेडियंट क्या होता है कि एक एक हाइट एंड एक लो जो टीचर्स हैं उनमें क्या डिफरेंस है वॉट इज द एवरेज डिफरेंस बिटवीन द हाइएस्ट पॉइंट एंड द लोएस्ट पॉइंट ठीक है तो अगर आप यहां देखेंगे देर इज अ हाई ग्रेडियंट दैट्स वाई दे डो नॉट फॉर्म डेल्टा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स गिव द करेक्ट डिसेंडिंग ऑर्डर बाय लेंथ ऑफ द रिवर ऑफ इंडिया ओके तो हमारे ऑप्शन क्या है ब्रह्मपुत्र गंगा गोदावरी कोसी गंगा ब्रह्मपुत्र कृष्णा गोदावरी गंगा गोदावरी कृष्णा यमुना या गंगा यमुना गोदावरी महानदी हमारा तो क्या होगा ऑप्शन सी देखिए, गंगा इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है ठीक है उसके बाद हमने देखा पेनेंसुलर इंडिया की सबसे बड़ी रिवर है गोदावरी ओके okay? उसके बाद यमुना जो है ना दैट इज नॉट अ लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा दैट इज ट इज लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी बट नॉट अ लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी अगर आप लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी की बात करें तो घाघरा रिवर इज द लार्जेस्ट ट्रिब्यूट्री वॉल्यूवाइज काफी ज्यादा पानी लेके आती है इन द रिवर गंगा ठीक है अगर हम लॉन्गेस्ट देखें तो वो यमुना है बट यहाँ पर उन्होंने क्या क्वेश्चन पूछा बाई लेंथ तो देखिए गोदावरी उसके बाद कृष्णा उसके बाद यमुना सो so हमारा आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन सेम हिमालयन रिवर्स आर ऑप्शन इज मानसून पीट स्नो पेड देखिए, हिमालयन जो रिवर्स है ना आपकी ठीक है मतलब उनमें थ्रू आउट द पानी रहेगा बिकॉज वो लोग ग्लेशियर से ओरिजिनेशन है उनका ठीक है सो द एफी को वही सिनोनिम ऑफ पेरेनियल ओके तो पेरेनियल एफीमरल दैट इज हिमालयन रिवर्स आर पेरेनियल रिवर इफ वी टॉक अबाउट रिवर्स दो ला नॉन पेरेनियल ठीक है नॉन पेरिनियल रिवर है क्योंकि उनमें जो थ्रू आउट द ईयर पानी नहीं रहता ठीक है क्योंकि उनका सोर्स ग्लेशियर नहीं obvious है ऑब्वियस है इफ ग्लेशियर सोर्स नहीं होगा तो पानी थ्रू आउट ईयर नहीं रहेगा दैट इज वॉट अफ नॉन पेरेनियल रिवर इज ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज एफिमरल पेरेनियल उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन बाय नेम डज द ब्रह्मपुत्र एंटर इंडिया देखिए ऑप्शन से मानस धनश्री दिहांग या सांगपो सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा दिहांग अभी हमने डिस्कस किया कि अरुणाचल प्रदेश में जब वो एंटर करती है विद नेम ऑफ दिहांग ओके अदरवाइज हम ऑप्शन देखेगा देखो दिहांग ब्रह्मपुत्र को जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर कर रही है तो हम उसको बोल रहे हैं अदरवाइज इफ यू गेट मानस एंड धनश्री दीज आर द ट्रिब्यूटरीज ऑफ ये ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी ब्रह्मपुत्रा की ठीक है इफ आई टॉक अबाउट सांगपो यालुंग सांगपो याद है तिब्बत में जब ब्रह्मपुत्र फ्लो कर रही है पैरेलल टू हिमालय तब हम उसको सांगपो बोल रहे हैं ओके सो डोंट गेट कंफ्यूज सांगपो इज इन तिब्बत बोलते हैं हम ब्रह्मपुत्रा को ठीक है जब वो अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है देन वी कॉल इट दिहा ओके और जब वो बांग्लादेश में एंटर कर रही है तब क्या बोलेंगे दैट इज जमुना वेरी गुड आर नेक्स्ट क्वेश्चन थे नियर द लेक मानसरोवर इन तिबर द रि विच सोर्स इज आर ठीक है मानसरोवर क्या लास्ट रेंजेस वहाँ पे ओरिजिनेशन किस किस रिवर का है वो बेसिकली वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं ऑप्शन से इंडस सतलज ब्रह्मपुत्र या ऑल ऑफ दी सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए हमारा आंसर है ऑल ऑफ दी देखिए आप इंडस भी देखेंगे मानसरोवर सतलज देखेंगे राकास्थान लेक ओके उसके बाद ब्रह्मपुत्रा देखेंगे तो भी मानसरोवर लेक सो बेसिकली हमारे आंसर्स क्या हो जाएंगे ओलो डीस ठीक है उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सेज विच आर फॉलोइंग एन इनलैंड ड्रेनेज एरिया इनलैंड ड्रेनेज एरिया बताना हमें इनलैंड ड्रेनेज रिवर नहीं बताना डोंट गेट कंफ्यूज, ठीक है तो इनलैंड ड्रेनेज एरिया बताना कि कहाँ पे एक ऐसी रिवर है जो इनलैंड ड्रेनेज करती है इन in इंडिया वैसे कि इंडिया में दो इनलैंड रिवर्स हैं तो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट वन ऑफ दीज ठीक है तो ऑप्शन क्या क्या है सांबर एरिया चिलिका रीजन मानसर ओवल ए या रन ऑफ कच्छ सो so, हमारा आंसर क्या होगा दैट इज रन ऑफ कच्छ इफ यू गोइंग टू द रन ऑफ कच्छ यू विल फाइंड अ रिवर नेम लूनी ठीक है लूनी एक रिवर है जो कि आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है रन ऑफ कच्छ अब इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम क्या होता है देखिए इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम मतलब कि उसको ओशन की जरूरत नहीं पड़ी अपने आप को एंड करने का ठीक है वो लैंड ही लैंड में इन दी इनसाइड द लैंड इट गॉट वाइप्ड ड ठीक है तो सेम सा होता है आपके लूनी रिवर के साथ ठीक है लूनी आपकी ओरिजिनल ओरिजिनेट कहाँ से करती है अरावली हिल्स से ठीक है अरावली हिल्स इन दी राजस्थान तो ये आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है रन ऑफ कच्छ में ओके और एक और रिवर जो इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है दैट इज घाघर घाघरा किसकी ट्रिब्यूटरी है घाघरा इज द ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर गंगा ओके ये भी आपका इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम बनाती है बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ओके? ओके? Okay? उन्होंने रीजन पूछा है है। कि वो रिवर कहां पे फ्लो कर रही सो ऑप्शन देखिए। साबरमती गोदावरी माही या ताप्ती तो हमारा आंसर क्या होना चाहिए ताप्ती ताप्ती अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र में भी फ्लो करती है गुजरात में भी फ्लो करती है और ओरिजिनेट कहां से होती है फ्रॉम द मध्य प्रदेश के मुल्ताई हिल्स मुल्ताई हिल्स ठीक है मुल्ताई हिल्स किधर है इन द डिस्ट्रिक्ट नेम बैतूल ओके अगर आप देखें साबरमती साबरमती अहमदाबाद में आप लोग देखेंगे साबरमती आश्रम है गांधी जी का दैट इज वेयर साबरमती रिवर इस ये आपकी बेस्ट फ्लोइंग रिवर है ठीक है इट ड्रेन इन टू गल्फ ऑफ खंबाद ओके okay? उसके बाद आप गोदावरी देखेंगे दिस इज ठीक है? हमने देखा था गोदावरी और महानदी के बीच में एक चिल्का लेक बन रही थी, राइट? उसके बाद माही, माही बो योर वेस्टर्न ये भी आपकी गल्फ ऑफ खंबाद में जाके मिल जाती है ठीक है रिमेंबर उसके बाद ताप्ती हमने देख लिया दिस इज ऑल्सो अ वेस्टर्न फ्लोइंग रिवर इट्स अ रिफ वैली रिवर अलॉन्ग विथ नर्मदा ठीक है अगर मैं यहाँ पे विंध्यन रेंजेस बताऊं यहां पे सतपुरा रेंजेस बनाओ दिस विंध्यन दिस सतपुरा इन बिटवीन यू विल फाइंड अ रिवर नेम नर्मदा ठीक है एंड बिलो यू विल फाइंड अ रिवर नेम ताप्ती ओके प्लीज डोंट गेट कंफ्यूज द नेक्स्ट क्वेश्चन से द रिवर बेसिन व्हिच इज कॉल्ड रूर ऑफ इंडिया रूर ऑफ इंडिया का क्वेश्चन सोल्व करने के लिए सबसे पहले यू शुड नो वूर ठीक है अगर मैं रूर की बात करूं तो बेसिकली रूर एक रीजन है आपके जर्मनी में कि मिलेंगे ठीक है कोल रिजर्व काफी ज्यादा मिलेंगे फर्स्ट इज रूर इज सिचुएटेड इन जर्मनी एंड यूल रिजर्व है तो ऑप्शन में देखिए यू हैव दामोदर हुगली गोदावरी या स्वर्ण so अगर आप झारखंड और उड़ीसा वाले रीजन में जाएंगे ना, right? so, हमारा क्या होना चाहिए? ठीक ठीक है? है? हमने देखा था रिवर. That is what? Sorrow, Bengal. Very good. आगे चले विच ऑफ द लॉन्गेस्ट रिवर इन इंडिया दिस इज क्वेश्चन राइट पहले ऑप्शन पढ़ लेते हैं। वन इज गंगा नर्मदा ब्रह्मपुत्र या गोदावरी ठीक है तो पहले आंसर देखें, आंसर इज गंगा ठीक है अब गंगा कैसे अब मैम आपने बताया था कि ब्रह्मपुत्र की जो लेंथ है दैट इज टू एट एट जीरो पर एन सी आर टी एंड गंगा की हमें पता है ट्वेंटी फाइव ट्वेंटी फाइव है तो ये तो कम हुआ ना इससे देखिए अगर इन इंडिया पूछेंगे तो गंगा फ्लो इन इंडिया मेजॉरिटी ऑफ इट्स लेंथ ठीक है अगर मैं ब्रह्मपुत्र की बात करूँ ना ब्रह्मपुत्र का बहुत कम सेक्शन आपको इंडिया में मिलेगा ठीक है तो दैट इज व्हाई अ लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया इज गंगा ठीक है अगर हम टोटल लेंथ के बेसिस पे कंपेयर करेंगे ना तो फर्स्ट यू विल फाइंड इंडस देन यू विल फाइंड ब्रह्मपुत्र एंड देन यू विल फाइंड गंगा तो बट यार इंडस तो टोटली इंडिया में नहीं फ्लो कर रही है वो तिब्बत में भी जा रही थी इंडिया में भी है देन पाकिस्तान में भी जा रही है सो मेजोरिटी ऑफ लेंथ ऑफ रिवर गंगा ठीक है वो इंडिया में मिलता है तो डोंट गेट कंफ्यूज कि ओनली इन इंडिया गंगा सबसे ज्यादा लेंथ अपना फ्लो करती है बट अगर हम ओवरऑल बात करें ठीक है अगर आपसे बोल दिया गया तीन ऑप्शन दे दिए गए और आपसे पूछा विच इज द लॉन्गेस्ट रिवर आउट ऑफ दीज तो ऑब्वियसली इंडस बट इंडिया में गंगा ठीक है क्लियर क्स्ट क्वेश्चन तेज विच ऑज दोलिंग रिवर इज नोन एट इंडिया रिवर ऑफ सौर क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं हमने दो रिवर ऑफ सौर इज सौर देखिए एक तो बेंगाल की सौरव है ठीक है उनको भी दुख है बेंगाल को एक आपके बिहार को भी दुख है ठीक है दुख इन देंस फ्लडिंग ठीक है ऐसा कोई दुख नहीं है बंगाल so, का दुख का नाम क्या है दैट इज दामोदर बट अगर हम बिहार की बात करें दैट इज कोसी ठीक है अब आप आंसर कर देंगे तो ऑप्शन देखिए हुगली दामोदर घाघरा या कोसी तो हमारा आंसर क्या है कोसी इंडिया रिवर ऑफ कोसी को बोलते हैं बट सौर ऑफ बंगाल दामोदर ठीक है लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दाइएस्ट वाटरफॉल इन इंडिया इज हाइएस्ट लॉन्गेस्ट स्मॉलेस्ट नियरेस्ट डीपेस्ट ये वाले जो क्वेश्चन होते हैं ना काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं ठीक है तो जब वाटरफॉल की बात करें वाटरफॉल कितने प्यारा व्यू पॉइंट बनाते हैं इट अट्रैक्ट्स टूरिज्म ठीक है वहाँ पे इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो जाता है तो बेसिकली दैट्स फायर द क्वेश्चन दे हैव आग द क्वेश्चन ओके सो ऑप्शन जाते हैं महाराष्ट्र कर्नाटका तमिलनाडु या केरला सो so, हमारा आंसर क्या है कर्नाटका ठीक है अगर आप इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे

तो श्रवस्ती रिवर है आपकी एक और पॉइंट क्लियर हो गया कि श्रवस्ती रिवर कहा शिव ऑन इंटरेस्टिंग नेम अगेन ठीक है ऑप्शन आर कावेरी स्वर्णरेखा इंद्रावती या नन ऑब्दीज तो हमारा आंसर क्या होगा इट इज कावेरी हमने देखा था कावेरी को हम गंगा ऑफ साउथ भी बोल रहे थे गंगा ऑफ साउथ ठीक है तो कावेरी रिवर पे ही आपका शिव समुद्रम वॉटरफॉल सिचुएटेड है रिमेम्बर हमने देखा जॉक किटका में इसको गेरूसपा बोलते हैं ऑन रिवर बैंक ऑफ श्रवस्ती ओके नेक्स्ट क्वेश्चन से द भागरा नांगल मल्टीपल प्रोजेक्ट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ विच स्टेट्स ओके तो ऑप्शन क्या क्या है पंजाब एंड हरियाणा ओनली पंजाब हरियाणा एंड राजस्थान ओनली पंजाब हरियाणा राजस्थान एंड हिमाचल प्रदेश या फिर सॉरी पंजाब एंड हिमाचल प्रदेश ओनली सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होना चाहिए ऑप्शन बी अगर आप पंजाब हरियाणा और राजस्थान में देखेंगे ना यू विल फाइंड भाकरा नांगल प्रोजेक्ट अब आप मुझे बताएंगे कि भाकरा नांगल प्रोजेक्ट इज सिटुएटेड ऑन द रिवर बैंक ऑफ विच ठीक है चलिए ऑप्शन है? है, देते हैं चेलम चिनाब ब्यास या सतलज सो जस्ट आंसर द क्वेश्चन ऑन विच भाघरा नांगल मल्टीपर्वर प्रोजेक्ट इज सिचुएटेड ओके नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन वुलर लेक ऑफ कश्मीर इज हमने अभी देखा था जब हमने फर्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करा था चिल्का लेक के बारे में राइट तभी हमने वुलर लेक देखा था वुलर लेक सब लोगों ने सुना होगा मोस्ट ऑफ द पीपल बट ये नहीं पता था कि कैसे बनी सबको पता है बोला लेके दिन कश्मीर इट इज अ वाटर लेक ठीक है अब ये कैसे बनी ऑप्शन लेक, लेक, आएस, लेक टर्मिनल मोरेन डैम या लेकॉम बाय सो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा लेक फॉर्म बाय टर्मिनल मोरेन डैम देखिए टर्मिनल मोरेन जो मोरेन्स होते हैं ना दैट इज द इरोजनल फीचर ऑफ ग्लेशियर मैंने अभी आपको बताया फ्रेश वाटर लेक है ठीक है तो फ्रेश वाटर कहाँ से मिलता है आपको आपको ग्लेशियर से मिलता है ठीक है सो so बेसिकली आपका जो वर लेक है टर्मिनल मोरेन डैम ओके? इरोजन रिएक्शन, ठीक है एवरी वन इट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन The next question says the second largest river basin in India is of the river. Option is Brahmaputra, Narmada, Krishna या Godavari. River basin river basin क्या होता है कि एक river होती है उसकी काफी सारी tributaries होती हैं distributaries होती हैं वो किस area तक फैली हुई है ठीक है that is what a river basin is right simple terms में अगर हम देखें तो देखिए ये river है main river है इसके साथ ये river जुड़ रही है ये river जुड़ रही है ठीक है इस रिवर की दो ट्रि डिस्ट्रीब्यूटरीज आ गई ठीक है तो बेसिकली दिस इज वाटर रिवर बेसिन ठीक है ठीके? तो ऑप्शन में हमने देखा सेकेंड लार्जेस्ट पूछा है उन्होंने फर्स्ट इज गंगा सेकेंड इज गोदावरी ठीक है फर्स्ट इज गंगा सेकेंड इज गोदावरी ब्रह्मपुत्र क्यों नहीं है क्योंकि पूरी ब्रह्मपुत्र इंडिया में नहीं फ्लो कर रही है ना यार तिब्बत में भी जा रही है इंडिया में भी जा रही है बांग्लादेश में भी जा रही है सो हाउ कैन इट मेक अ लार्जेस्ट रिवर बेसिन इन इंडिया राइट सो हमारा ऑप्शन क्या है गोदावरी अगर आपसे कोई फर्स्ट पूछे तो क्या होगा ऑब्वियस है गंगा ठीक है इफ यू सी द नेक्स्ट क्वेश्चन द नेक्स्ट क्वेश्चन आज द सेकेंड लार्जेस्ट बेसिन इन पेनिस्लर इंडिया इज राइट अभी हमने लास्ट क्वेश्चन भी देखा था कि रिवर बेसिन पे बेस्ट था सेम क्वेश्चन ऑप्शन नर्मदा या कृष्णा सो हमारा आंसर क्या होगा जल्दी बताइए कृष्णा ठीक है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे ना यू विल गेट लार्जेस्ट बेसिन इन इंडिया। उन्होंने लास्ट में क्या पूछा था सेकेंड लार्जेस्ट रिवर बेसिन ऑफ इंडिया तब हमने आंसर क्या दिया था गोदावरी ठीक है गंगा गोदावरी और आपकी कृष्णा तो ओवरऑल इट इज गंगा अगर हम पेनिनसुलर की बात करें तो फर्स्ट सबसे बड़ी है गोदावरी और सेकंड इज कृष्णा ठीक है तो उन्होंने सेकंड पूछा तो आंसर इज कृष्णा रेवा ओके देखिए आप यहाँ मैप भी देख सकते हैं कि मेजर रिवर बेसिस की बात कर रहे हैं वो तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज व्हाट अ गोदावरी रिवर बेसिन ठीक है ये सबसे बड़ा है पेनिनसुलर इंडिया में और अगर मैं कृष्णा की बात करूं तो देखिए आपको यही पास में ही आपको मिलेगा कृष्णा रिवर बेसन ये वाला ठीक है दिस राइट हुआ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है लेक सांबर इज नियरेस्ट टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग सिटीज ऑफ राजस्थान जब हम लोगों ने फर्स्ट स्लाइड देखी थी तभी लेक ऑफ इंडिया में डिस्कस कर लिया था सो ऑप्शन पे जाते हैं भारतपुर जयपुर जोधपुर या उदयपुर बेसिकली भरतपुर नहीं बोलते इसको भरतपुर बोलते हैं ओके सो हमारा आंसर क्या होना चाहिए जयपुर ठीक है अगर आप जयपुर के पास जाएंगे तो यू विल फाइंड सांभर लेक ठीक है बेसिकली इज अ सॉल्ट वाटर लेक इट इज अ सॉल्ट वाटर लेक राइट रिमेंबर सांबल लेक जयपुर राजस्थान सॉल्ट वाटर लेक Next question is: Canal irrigation is most important in the northern plains of India. Option kaya? The soil is porous. The level of underground water is high. The sources of canals are perennial sources. The region is densely populated. So, answer The sources of canals are perennial rivers. Deekhe, perennials ka hum pehle discuss Water perennial rivers, jinke pass pani throughout the year rahega. ठीक है पानी के हिसाब से पेनिनियल रिवर मोर रिच हो ठीक है सो बेसिकली नदरन प्लेन्स के जो आपके इंपॉर्टेंट कनाल्स है ना वो इरिगेशन के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि तो उनके पास थ्रू आउट द ईयर पानी रहेगा सो बेसिकली हमारा आंसर यही है इट इज हैविंग द वाटर थ्रू आउट द ईयर ओके अगर आप यहां देखेंगे ना अगर हम नदरन इंडिया की बात करें तो ऑबवियसली दिस इज नदरन इंडिया ठीक है दिस इज अ ब्यूटिफुल इंडिया सो बेसिकली यू विल फाइंड इंदिरा गांधी केनाल वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैनाल ऑफ इंडिया इज इन इज इंदिरा गांधी केनाल ठीक है देखिए कहाँ से फ्लो कर रही है इट इज इन पंजाब टू राजस्थान पंजाब से गई 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 टू द राजस्थान राजस्थान में देखिए वाटर की काफ़ी शॉर्टेज हुआ करती थी ठीक है आपके पास काफ़ी ज्यादा बड़ी रिवर भी नहीं मिलेगी राजस्थान में छोटी छोटी काफ़ी रिवर्स है जैसे चंबल है लूनी है बनास है बट एक मेजर रिवर सिस्टम आपको नहीं मिलता ठीक है सो जो इंदिरा गांधी केनाल है ना इट्स द दर्पज इन राजस्थान ठीक है उनकी प्यास बुझा दी है टू तो द इंदिरा गांधी केनाल ने ओके दैट इज बेसिकली वेरी इंपॉर्टेंट कैनाल अब आप देखिए ना इसका रिवर सोर्स क्या होगा इंडस वाटर रिवर सिस्टम से ही पानी कहीं आ रहा होगा और हमने पढ़ा था इंडस जो रिवर है दैट इज अ पेरिनियल रिवर बिकॉज इट है सोर्स फ्रॉम द मानसरोवर लेक इन दैलाश रेंज दट इज अ ग्लेशियर ठीक है पेरिनियल रहेगा थ्रू आउट दंडरस्टैंड ओके नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ईस्ट फ्लोइंग रिवर ऑफ इंडिया फॉर्म्स रिफ वैली ड्यू टू डाउन वैपिंग ठीक है हमने लोगों दो रिफ वैली रिवर देखी थी कौन कौन सी थी, थी जल्दी बताइए एक है नर्मदा नर्मदा जो रिवर है ना आपको इसको रेवा भी बोलते हैं क्या बोलते हैं रेवा रिवर ठीक है उसके बाद हमने देखी थी एक और ताप्ती ये कौन सी रिफ वैली फ्लो कर रही थी कहाँ फ्लो कर रही थी टू तो द वेस्टवर्ड राइट अगर हम ईस्टवर्ड रिवर वॉपिंग का सिचुएशन देखें ना दैट इज ड्यू टू तो अ रिवर अब ऑप्शन देखते हैं पहले ऑप्शन था दामोदर महानदी सोन या यमुना तो हमारा आंसर क्या होगा इट इज दामोदर रिवर ठीक है तो दामोदर रिवर इज ऑल्सो रिवर विच इज फ्लोइंग इन अ रिव वैली ड्यू टू तो डाउन वापिंग ठीक है डाउन वापिंग क्या हो गया कि वहां पे कहीं आपका जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर की वजह से डेप्थ क्रिएट हो गई दैट इज वॉट दामोदर फ्लो इन रिफ वैली इट इज फ्लोइंग रिवर हमने देखा था दामोदर को सोरो ऑफ बंगाल भी बोल रहे थे गई ठीक है राइट लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है लैंड रिफर्स टू इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी जो होती है ना ज्योग्राफी की काफी इंपॉर्टेंट होती है राइट तो आपसे जैसे कि डेल्टा हिस्ट्यूरी के बारे में डिफरेंस पूछता है क्या होता है डेल्टा क्या होता है हिस्टूरी तो बेसिकली जोग्राफी हैज अ ग्रेट सिग्निफिकेंस इन अ टर्मिनोलॉजी एज वेल ठीक है सेम क्वेश्चन पूछ रहा तो है तो ऑप्शन क्या है कॉन्टिनेंटल शेल्फ इन द सी फ्रॉम विच ऑयल कैन बी एक्सट्रैक्टेड नेचुरल हार्बर यूज फॉर इंटरनेशनल ट्रेड लैंड रीजन एक्सटेंडिंग फ्रॉम अ सी पोर्ट या फिर अबेंडेंट सी पोर्ट वेयर ट्रेड वॉज कैरीड आउट इनिशियली तो हमारा आंसर क्या होगा हिंटरलैंड जो सी पोर्ट के पास वाला रीजन लैंड एक्सटेंडिंग होता है ना दैट इज व्हाट अ हिंटरलैंड ठीक है याद रखना इट इज अ टर्मिनोलॉजी पोर्ट का जो इनलैंड एरिया रीजन जो होगा दैट इज व्हाट अ हिंटरलैंड ठीक है अगर हम पोर्ट्स की बात करें तो इंडिया में कितने पोर्ट्स हैं अगर हम मेजर पोर्ट की बात करें ना तो इंडिया में लगभग तेरह मेजर पोर्ट है ठीक है तेरह में से आपके ट्वेल्व जो है ना

सेक्टर, राइट इंटरलैंड समझ आया लेट्स मूव टू स्पेशली डेवलप फॉर एक्सपोर्टिंग ओ टू जापान। जपैन ओ टू जापान एक्सपोर्ट करने के लिए इंपॉर्टेंट मेजर पोर्ट कौन सा है दैट इज ऑप्शन हल्दिया न्यू टोटिकोर पैराडीप या विशाखापट्टनम सो बेसिकली आंसर इज पैराडीपैराडीप जो पोर्ट है दैट इज एन उड़ीसा ठीक है

और यहाँ पे आप जाएंगे जाएंगे स्ट्रेट ऑफ मलक्का साउथ चाइना सी ईस्ट चाइना सी देन यू विल यूल आरकी पेलर है एक ठीक है ग्रुप ऑफ आरल तो दिस इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज द रीजन वी यूज दिस पर्टिकुलर पोर्ट फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ आयरन ओर टू जापान ओके ओके नाउ द क्वेश्चन सेज विच ऑफ द पोलिंग इज द फर्स्ट कंपनी मैनेज मेजर पोर्ट इन इंडिया मैंने अभी रिसेंटली आपको बताया कंपनी मैनेज इज समथिंग लाइक विच इज प्राइवेटाइज्ड ठीक है कंपनी मैनेज कर रही है कॉपोटराइज कर दिया हमने उसको ठीक है बेसिकली हम लोगों ने भी क्या देखा थर्टीन पोर्ट्स है मेजर ठीक है थर्टीन मेजर पोर्ट्स में से ट्वेल्व गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वन कॉपरेट सेक्टर अब हमें उस वन का नाम बताना है ठीक है मैंने अभी आपको बताया ऑप्शन क्या है देखो कोचिन इनोर ट्यूटिकॉरिन या विशाखापट्टनम तो जल्दी बताइए आंसर आंसर इज इनोर ठीक है अगर आप इनोर देखें तो इसको कामराजार भी बोलते हैं क्या बोलते हैं कामरा जाल ठीक है ये किधर है आपका इट इज इन तमिलनाडु ओके तमिलनाडु में आपको तीन पोर्ट्स मिलेंगे वो भी आगे देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स हैं पोर्ट्स बेसिकली एनडीए के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि आप एनडीए इज फॉर अ ज्वाइंट इंडियन नेवल अकेडमी फॉर आपका एनडीए ठीक है आप सब जगह जाते हैं फोर्स नेवी ज वेल एस आर्मी सो पोर्ट्स की इन्फॉर्मेशन होना चाहिए well. मुंबई so, the in या विशाखापट्टनमारा so, आंसर क्या होगा इट इज विशाखापट्टनम अगर आप देखें सबसे बड़ा शिपयार्ड है इंडिया का इट इज़ इन विशाखापट्टनम अगर हम विशाखापट्टनम देखें तो कौन से कोस्ट पे लाई करेगा इट लाई इन द ईस्टर्न कोस्ट ठीक है और कौन से स्टेट में इट इज इन आंध्र प्रदेश अगर आप नेवल ईस्टर्न नेवल हेडक्वाटर देखेंगे ना कमांड का हेडक्वाटर इट इज इन विशाखापट्टनम ओनली एंड विशाखापट्टनम इज़ अ ब्यूटिफुल सिटी टू बी ठीक है तो सबसे ज्यादा शिपयार्ड यार्ड कहाँ होता है इट इज़ इन विशाखापट्टनम Next question says, which of the following statement is correct? Statement question. Option says, India rank ninth in the world shipping uh, tonnage. Okay. Option B says, Mumbai port handles half of the country's foreign trade. Option C, Kandla and Kolkata are tidal ports. Ya pir, option D, India has thirteen major ports and two zero five minor ports. Okay. So basically, if you look answer they this You will find, इसके दो आंसर सही है वन इज बी एंड वन इज डी ठीक है तो मेजर पोर्ट हमने देखे थे थर्टीन मेजर पोर्ट है और 205, 200 पांच दो सौ प्लस समथिंग लाइक माइनर पोर्ट्स हैं छोटे छोटे पोर्ट्स ठीक है मेजर पोर्ट्स बड़े पोर्ट नाम से समझ आ रहा है। और जो आपका मुंबई का पोर्ट है ना ठीक है मुंबई पोर्ट इज अचुरल पोर्ट सबसे बड़ा नेचुरल पोर्ट है ये ठीक है मुंबई पोर्ट हैंडल हाफ ऑफ द कंट्रीज फॉर इन

ठीक है अभी हमने देखा था कि यहां से आयर्न और का एक्सपोर्ट ज्यादा हो रहा है जापान को ओके उसके बाद देखो सेम यह, यही लिखा है डन उसके बाद देखो विशाखापट्टनम पोर्ट विशाखापट्टनम पोर्ट आंध्र प्रदेश सेकेंड लार्जेस्ट इन कार्गो हैंडलिंग हमने देखा था शिप यार्ड भी यहाँ पे सबसे ज्यादा है ठीक है एंड इट्स अ नेशनल पोर्ट ठीक है उसके बाद देखो इनोर पोर्ट या फिर कामराजार पोर्ट हमने देखा था दिस इज द फर्स्ट पॉपुलराइज पोर्ट ऑफ इंडिया ठीक है प्राइवेटाइज कर दिया उसके बाद देखो चेन्नई पोर्ट चेन्नई पोर्ट इज इन नाम जो समझ आ रहा है तमिलनाडु कैपिटल उसके बाद दिस इज द लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ ईस्टर्न कोस्ट अगर ईस्टर्न कोस्ट की बात करें तो लार्जेस्ट पोर्ट कौन सा है चेन्नई और अगर सबसे बड़ा ओवरऑल पोर्ट की बात करें दैट इज जवाहरलाल नेहरू नावा शेवा पोर्ट ठीक है तो ओवरऑल इसकी रैंक क्या है टू बट ईस्टर्न कोस्ट में इसकी रैंक क्या है वन ओके उसके बाद आपको मिलेगा ट्यूटी ट्यूटिकॉरन पोर्ट कहां पे है है तमिलनाडु ठीक दिस इज द आर्टिफिशियल पोर्ट ये आपकी पर्ल फिशरी के लिए काफी यूजफुल है क्योंकि ट्यूटी ट्यूटिकॉरन जो सिटी है दैट इज तमिलनाडु उसको पर्ल सिटी भी बोलते हैं पर्ल मोती ठीक है उसके बाद देखो यहाँ पे आपको मिलेगा पोर्ट पोर्ट दिस ब्लैक अंडमान एंड निकोबार ठीक है उसके बाद चलते हैं वेस्टर्न कोस्ट पे यू विल फाइंड कांडला पोर्ट इट इज इन गुजरात दिस इज अ टाइडल पोर्ट ठीक है टाइडल पोर्ट है ये इंपॉर्टेंट है उसके बाद यू विल फाइंड मुंबई पोर्ट दिस इज द लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर ठीक है और जवाहरलाल नेहरू इज द लार्जेस्ट आर्टिफिशियल पोर्ट इसको नावर शेवा पोर्ट भी बोलते हैं तो लार्जेस्ट नेचुरल हार्बर कौन है मुंबई पोर्ट और लार्जेस्ट आर्टिफिशियल हार्बर कौन है आपका नावर शेवा ठीक है उसके बाद देखो मरमागा किधर है नाम है, गाओ, गोवा, गाओ, गोवा. तो, okay? fact, कि गोवा में काफी सारे कसिनोस जुआरी रिवर ठीक है सो बेसिकली यू हैव जुआरी रिवर के बैंक पे है उसके बाद इट इज अ लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ और क्या है ये लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ और हमने बात की थी लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयनोर टू जपैन दैट इज पारादीप बट लीडिंग एक्सपोर्टर ऑफ आयन और ओवरऑल इज मरमगांव कंफ्यूज नहीं होना ठीक है उसके बाद यू विल फाइंड न्यू मैंगलो पोर्ट मरमगा में इट इज अ डीप वाटर एंड ऑल वेदर पोर्ट ऑल वेदर मतलब कुछ भी हो आंधी तूफान कुछ भी हो ये पोर्ट रहेगा ठीक है न्यू मैंगलो पोर्ट उसके बाद कोची पोर्ट केरला ठीक है सिचुएटेड इन वेलिंगटन आयलैंड जल्दी से बताइए इज द कैपिटल ऑफ न्यूजीलैंड दैट इज ऑल्सो वेलिंगटन राइट सो वेलिंगटन आयलैंड हमारे इंडिया में भी है सो वेलिंगटन आयलैंड मेजर सेंटर फॉर शिप बिल्डिंग ओके लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन अगर आपने लास्ट सेशन ढंग से देखा तो आप इसका आंसर कर देंगे ठीक है तो हमारा ऑप्शन क्या क्या है कांडला गुजरात सही है पाराडीप उड़ीसा बिल्कुल सही है क्यूलियन केरला इट इज अर पोर्ट ठीक है तो अगर आपको इसके बारे में नहीं भी पता ना तो आप इसका आंसर बता देंगे काकीनादा महाराष्ट्र में नहीं है आई थिंक कर्नाटका एंड कर्नाटका सो हमारा ऑप्शन क्या होगा काकीनादा ये महाराष्ट्र में है ही नहीं तो ऑप्शन डी उसके बाद द डीपेस्ट लैंडलॉक प्रोटेक्टेड फोर्ट ठीक है फोर्ट नहीं फोर्ट ठीक है तो ऑप्शंस क्या है कांडला कांडला किधर था गुजरात वेरी गुड विशाखापटनम आंध्र प्रदेश उसके बाद हल्दिया कोलकाता या फिर वेस्ट बंगाल ठीक है उसके बाद ट्यूटिकॉरन ट्यूटिकॉरन किधर था ट्यूटिकॉरन इज इन तमिलनाडु ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा इट इज विशाखापट्टनम ठीक है इट इज द डीपेस्ट प्रोटेक्टेड पोर्ट ऑप्शन इज कोचिन न्यू मैंगलो मुंबई या विशाखापट्टनम कोचिन केरला न्यू मैंगलोर कर्नाटका मुंबई महाराष्ट्र विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश तो बेसिकली कुंद्रेमुख जो आपकी आयन ओर है ना दैट इज इन कर्नाटका अब सोच के देखो सबसे पास कौन है ंगलॉर ठीक हैंगलोर इज द आंसर दिन कोस्ट ऑफ इंडिया ठीक है हमें ऊपर से नीचे का एक सीक्वेंस बताना है पोर्ट्स का ठीक है ऑप्शन क्या क्या है कांडला मुंबई कोची मैंगलो पोरबंदर मार्मागांग्लो कोची वेरावल ओका मार्मागांगलोर या मैंगलोर मारमागा कोची निगर कोई तो हमारा आंसर क्या होगा इट इज ऑप्शन बी देखिए पोरबंदर गुजरात ठीक है मारमागा गोवा मैंगलोर कितने था कर्नाटका वेरी गुड कोची इज इन केरला नॉर्थ टू साउथ वेरी इजी नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द पॉलिंग इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ट्रिब्यूटरी पे क्वेश्चन आ गया तो ऑप्शन क्या है यमुना सोन गोमती या सतलज देखिए एलिमिनेट करते हैं सबसे पहले ये ट्रिब्यूटरी है भैया ठीक है इट इज द लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी ठीक है बट इट इज द सेकेंड लार्जेस्ट अब लॉन्गेस्ट और लार्जेस्ट में क्या डिफरेंस होता है देखिए लॉन्गेस्ट लेंथ वाइज हम बात करें सबसे लंबी और लार्जेस्ट इज वॉल्यूम वाइज ठीक है तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम अगर हम रिवर गंगा की ट्रिब्यूटरी में देखें दैट इज घाघरा रिवर बर दिस एलिमिनेटेड सोन इज अ ट्रिब्यूट्री ऑफ गंगा ठीक है ट्रिब्यूट्री ऑफ गंगा बट अगर आप सतलज देखेंगे ना सतलज इज नॉट अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा इट्स ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस कहाँ से ओरिजिनेट हो रही है राकसता लेक नियर मानसरोवर कैलाश रेंजेस ठीक है तो हमारा आंसर क्या होगा रिवर सतलज नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन फ्लोर थ्रू ऑप्शन इज महाराष्ट्र एन आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र उड़ीसा एन आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र कर्नाटका एंड आंध्र प्रदेश या महाराष्ट्र कर्नाटका उड़ीसा एन आंध्र प्रदेश तो बेसिकली हमारा आंसर क्या होगा गोदावरी के बारे में हम काफी डिस्कस कर चुके हैं ठीक है गोदावरी महानंदा महानंदा के बीच में हमने चिलिका लेक देखा था ठीक है गोदावरी कहाँ कहाँ से फ्लो करती है नासिक त्रम्बुकेश्वर से तो ओरिजिनिटी करती है उसके बाद फ्लोर थ्रू आंध्र प्रदेश और उसके बाद बे ऑफ बंगाल में क्या बनाएगी ये आपका डेल्टा ठीक है बिकॉज़ इट्स अ ईस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर ठीक है जितनी भी वेस्टवर्ड फ्लोइंग रिवर होती है ऑप्शन okay? so, क्या होगा ए महाराष्ट्र एंड आंध्र प्रदेश नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिवर कावेरी ओरिजिनेट फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ओके आर आंध्र प्रदेश तमिलनाडु कर्नाटका या मध्य प्रदेश ओरिजिन एलिमिनेट करें देखिए मध्य प्रदेश तो नहीं हो सकता नीचे पेनिसुलर रिवर मध्य प्रदेश से तो दो ही जा रही थी नर्मदा ताप्ती ठीक है कर्नाटका गुड भी तमिलनाडु नहीं है ठीक है बिकॉज दिस इज अस्ट वर्ड फ्लोइंग रिवर तो कोई बेस्ट वर्ड स्टेट से ओरिजिनेट होगी राइट right? आंध्र प्रदेश में ईस्ट आपका स्टेट है तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा इट्स सी कर्नाटका कर्नाटका के ब्रह्मगिरी हिल्स से आपकी कौन सी रिवर ओरिजिनेट होती है कावेरी कावेरी को हम क्या बोल रहे थे गंगा ऑफ साउथ ठीक है कावेरी वाटर डिस्प्यूट का भी काफी नाम सुना होगा आपने वही वाली कावेरी है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन द मेन रिवर फ्लोइंग इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इज ऑप्शन आ जेलम इंडस चिनाब या नूबरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो आंसर क्या होना चाहिए झ झेलम ठीक है झेलम जो है आपकी वो ओरिजिनेट कहां से करती है दैट इज वेरीनाग स्प्रिंग वेरीनाग स्प्रिंग ये आपका जम्मू कश्मीर में ही है ठीक है ये इट इज़ द ट्रिब्यूट्री ऑफ रिवर इंडस ये एक ऐसी रिवर है इंडस की ट्रिब्यूटरी जो कि सिर्फ जम्मू कश्मीर में फ्लो करती है ठीक तो है तो कहा से ओरिजिनेट करिए वेरीनाग स्प्रिंग से एंड फ्लोइंग थ्रू द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर अब वो स्टेट नहीं रहा है अब हमने यूटी कर दिया है ठीक है तो बी अपडेटेड कि क्या क्या चेंजेस करें हैं तो जस्ट टेल मी इन इंडिया एट प्रेजेंट हाउ मेनी स्टेट्स एंड हाउ मेनी यूटीज आर देयर ओके जस्ट चेकअप कि आप करंट अफेयर्स से अप हैं या नहीं ओके तो हमारा आंसर क्या है ए द नेक्स्ट क्वेश्चन द नागा द वाटरशेड बिटवीन इंडिया एंड वाटर कंट्री पूछा है ठीक है नागा हिल्स नागालैंड में नागा है नागालैंड so, किधर है नॉर्थ ईस्ट में ठीक है सो हमारे ऑप्शन क्या है चाइना म्यांमार भूटान या बांग्लादेश तो ऑप्शन आंसर क्या होगा इट इज म्यांमार देखिए ये आपकी नॉर्थ ईस्ट है ठीक है यहाँ पे आपका अरुणाचल प्रदेश उसके बाद नागालैंड मणिपुर मिजोरम नागालैंड मणिपुर मिजोरम ठीक है तो देख के समझ आ रहा है कि किसके साथ वाटर स्टेट बनाएगी म्यांमार के साथ ठीक है म्यांमार को पहले क्या बोलते थे बर्मा क्या बोलते थे बर्मा ठीक है म्यांमार की कैपिटल क्या है नाइपेड्यू इसमें एक इंपॉर्टेंट रिवर फ्लो करती दैट इज हैवड़ी ठीक है आपको इरावड़ी में डॉल्फिन भी मिल जाएंगे इरावड़ी डॉल्फिन उसके बाद अभी अगर आप म्यांमार जाएंगे तो यू विल फाइन जुनता रूल मतलब यहाँ पे मिलिट्री रूल हो गया है ठीक है वहां पे एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी किसकी आनसांग सूकी ठीक है इनको हटा के वहां पे डिक्टेटरशिप आ गई इंपॉर्टेंट ठीक है अगर आपने रोहिंग्यास का नाम सुना होगा ना तो रोहिंग्यास थे आर आल्सो ओरिजिनेटिंग फ्रॉम म्यांमार ठीक है म्यांमार का कौन सा प्रोविंस दैट इज रकाइन इंपॉर्टेंट ठीक है कौन सा प्रोविंस रकाइन प्रोविंस ठीक है तो म्यांमार के बारे में हमने काफी सारा कुछ देख लिया

तो गोदावरी का पैन रीजन में सबसे बड़ा कैचमेंट एरिया ऑब्वियस उसका रिवर बेसन सबसे ज्यादा बड़ा है सेकेंड नंबर पे कैचमेंट एरिया कृष्णा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज द बिगेस्ट लेक इन इंडिया इज ऑप्शन से डल लेक चिलीका लेक लेक या सांभर लेक देखिए तो हमारा आंसर क्या होगा चिलिका लेक सबसे बड़ी लेक है सेकेंड सबसे बड़ी लेक है ठीक है सबसे बड़ी लेक जो है ना इंडिया की दैट दैट इज लेक इज इन केरला कौन सी लेक लेक ये आपकी केरला में मिलेगी फर्स्ट नंबर पे है नंबर पे अब यहाँ पे ऑप्शन में दिया ही नहीं है वैम्बनाथ तो हमारा आंसर हो जाएगा छिलिका ठीक है अगर आप ऑप्शन पे जाए तो डल लेक इधर है जम्मू एंड कश्मीर में है वुलर लेक इधर है जम्मू एंड कश्मीर में है एंड सांबर लेक अभी हमने डिस्कस करा राजस्थान के कैपिटल के पास किधर जयपुर ठीक है समझ आया मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द विच आर द वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स ऑफ साउदर्न इंडिया विच फ्लो इनटू टू अरेबियन सी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन वेस्ट वर्ड बता रहे हमने देखा था ईस्ट वर्ड वेस्ट वर्ड ठीक है अगर हम वेस्ट वर्ड की देखें मैंने आपको चार रिवर्स बताई थी वेस्ट कौन कौन सी नर्मदा ताप्ती साबरमती साबरमती आश्रम याद है अहमदाबाद और माही माही बजाज प्रोजेक्ट भी है एक डैम है ठीक है इट इज सिटेड माही तो दीज आर द फ्लोइंग रिवर ठीक है आप देख लीजिए हम एलिमिनेट कर सकते हैं हम तो डायरेक्ट चंबल एंड बेतवा नो no. चंबल इज एट्रीब्यूटेड ऑफ यमुना ठीक है दामोदर एंड महानदी नो नॉट एट ऑल ऑप्शन सी नर्मदायन ताप्ती यस ऑप्शन डी कृष्णायन काविन नॉट एट ऑल तो हमारा आंसर क्या है नर्मदा ताप्ती नर्मदा ताप्ती ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर ज्वाइन गंगा एट अलाहाबाद हमारा ऑप्शन क्या, क्या क्या बोल रहे हैं गंडक घाघरा कोसी यमुना तो कौन सी रिवर अलाहाबाद में मिलती है हमारा आंसर है यमुना अलाहाबाद अगर आप देखें अलाहाबाद का नाम चेंज कर दिया गया इसको कर दिया गया प्रयागराज क्या कर दिया गया प्रयागराज प्रयागराज में आपका त्रिवेणी संगम होता है त्रिवेणी नाम से समझ आ रहा है त्रिवेणी मतलब तीन देवी ठीक है कौन कौन सी देवी है ये गंगा यमुना एंड सरस्वती सरस्वती जो है ना आपकी रिवर आ इसका मायथोलॉजिकल काफी इंपॉर्टेंट है ऋग्वेद ऋग्वेद एंड ऑल यू विल फाइंड सरस्वती इज मेंशन प्रॉमिनेंटली ओके तो हमारा आंसर क्या हो गया यमुना नेक्स्ट क्वेश्चन विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ रिवर फॉल इन द बे ऑफ बंगाल देखिए बे ऑफ बंगाल में उनको फॉल कराने के लिए कहां से फ्लो करेंगे वो इधर से बेस्ट व्हाट टू इज वन बेस्ट टू ईस्ट पे बे ऑफ बंगाल है चलो देखते हैं ठीक है ऑप्शन आर गंगा ब्रह्मपुत्र हुगली गंगा यमुना गोदावरी गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र या गंगा यमुना गंडक हमारा आंसर क्या होगा गंगा गंगा आपकी बांग्लादेश में फ्लो कर रही थी बे ऑफ बंगाल के अंदर सेम ब्रह्मपुत्र का सीन था और हुगली का भी सेम सीन है ठीक है बिकॉज हुगली इज अ डिस्ट्रीब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक है बाकी अगर आप देखेंगे तो देखिए यमुना तो ट्रिब्यूटरी है गंगा की यमुना सेम सेम तो यहां okay? से मैं एलिमिनेट कर देंगे नर्मदा नर्मदा अमरकंटक ठीक है आपका एमपी से ठीक है थर्टीन ट्वेल की लेंथ है ठीक है दुहादार वॉटरफॉल अगर आपने देखा हो सुना हो सॉरी दुआदार वटरफॉल कहाँ बनता है बेड़ा घाट में इट इज इन जबलपुर ये कौन सी रिवर बनाती है आपकी रिवा नर्मदा इसको रेवा रिवर भी बोलते हैं ठीक है अब देखो ओरिजिनेट अगर ये, ये यहाँ से हो रही है अमरकंटक से तो मध्य प्रदेश तो होगा ही होगा ठीक है तो उन्होंने पूछा है डज नॉट तो मध्य प्रदेश एलिमिनेटेड ठीक है महाराष्ट्र में हमने देखा था नर्मदा फ्लो कर रही है और गुजरात में गल्फ ऑफ खंबात में तो ये एंड कर रही है तो ऑप्शन हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन सी राजस्थान में तो जा ही नहीं रही राजस्थान में तो चंबल जा रही थी चंबल इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना यमुना इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा ठीक है डन ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नर्मदा रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम अमरकंटक इन लास्ट क्वेश्चन भी डिस्कस कर चुके कौन कौन सी स्टेट से ओरिजिनेट हो रही जल्दी बताओ इट इज गुजरात महाराष्ट्र मध्यप्रदेश और छत्तीसगढ़ आंसर इज मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से ओरिजिनेट हो रही थी ठीक है अमरकंटक प्लाटी से अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट ठीक है और कहाँ फ्लो करी थी रिफ्ट वैली में यहां पे कौन से माउंटेन विंध्यन यहाँ पे कौन से सतपुड़ा और कहाँ जाके गिर रही है गल्फ ऑफ खंबात ठीक है गल्फ ऑफ खम्बात अगर आप ये गुजरात देखेंगे ना तो बेसिकली दिस इज गल्फ ऑफ कच्छ एंड दिस इज गल्फ ऑफ खंबात ठीक है so this is the completion of our 50 questions thank you hope that you hope i hope you like the session thank you